हाय दोस्त, कैसे हो? हाय, हाउ आर यू? बारिश में मज़ा आ रहा है? नहीं ना, ये हो गया JNU का मुख्य गेट। यहाँ से होकर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, बूंदा बूंदी बारिश हो रही है और इधर पेड़ अच्छे खासे देख सकते हैं। इधर ये नीम का है और इधर ये झाड़ियों वाला पेड़ है और दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई है। यहाँ से नीचे की तरफ वो है ना, ढाल है नीचे की तरफ डाउन, ये देख सकते हैं कैसे। और इधर फिर ऊंचाई है जैसे JNU में है, ये भी पहाड़ी पर ही है ना। तो नीचे की तरफ चलते हैं और ये हुई मुख्य सड़क। आ गया मैं मुख्य सड़क के पास और इधर लेफ्ट मेरे राइट में जाइएगा तो इधर आप चले जाइएगा, नेल्सन मंडेला मार्ग है। और लेफ्ट में बस बगल में 10 कदम की दूरी पर JNU है। तो मैं अभी JNU ही चल रहा हूँ। उधर गया था मुनीर का, मेट्रो से कहीं बाहर काम से गया था तो मुनीर का की तरफ से होते हुए गलियों से मैं JNU अभी जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इधर JNU कैंपस का ये बस स्टॉप लगा हुआ है। बस स्टॉप लगा हुआ नहीं, मतलब बस स्टॉप है, लगता है यहाँ बस है। मैं लगातार ही शूट कर रहा हूँ और ये देखिए JNU यहाँ से लिखा भी है। इधर लेफ्ट में मुनीर का, राइट में JNU और आगे में कुतुब इंस्टीट्यूट है। कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया, कुतुब मीनार भी क्योंकि यहाँ से पास में ही है ना, JNU से दिखती है। चलो पार करते हैं, यहाँ गाड़ियाँ आ रही है, थोड़ी वो दिखी तो चले। और ये हो गया यूनिवर्सिटी का हमारे गेट, तो ये हो गया, ये हो गया JNU का मुख्य गेट। आप देख सकते हैं मैं यहाँ, अच्छी बारिश दिख रही है, वाओ देख रहे हैं। ये हो गया JNU का मुख्य गेट, यहाँ से होकर चलते हैं। ये हाफ दरवाज़ा हरदम खुली रहती है और हाफ बंद। इधर ये जो ऑटो सर्विस देख रही है JNU में ही चलती है, ई रिक्शा 10 रुपये में JNU में कहीं से कहीं जा सकते हो आप। तो चलते हैं, ये देखिए यहाँ सुरक्षा जांच होता है जो भी बाहरी लोग आते हैं उनका। मैं फुटपाथ से होके चल रहा हूँ। तो गाइज मैं अभी सतलज हॉस्टल क्रॉस कर रहा हूँ और इधर राइट में KC हो गया और इधर तो मैंने दिखाया था सतलज हॉस्टल की तरफ उस इधर से। अब मैं कावेरी हॉस्टल जा रहा हूँ, तो चलता हूँ कावेरी हॉस्टल की तरफ। बारिश में रोड पर ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, बस कोई कोई आ जा रहे हैं इक्का दुक्का जैसे मैं जा रहा हूँ। देखिए एक जैसे लड़की छाता लेके जा रही है, इसमें कुछ नहीं। अबे यार ये देखिए, ये झाड़ी छाता ही फंस गया, क्या ही कहूँ। चलो हाँ, यहाँ अच्छी लाइटें हैं। वैसे JNU में तो ज़्यादातर लाइटें हैं, पता नहीं मैं खुद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आ रहा हूँ कि नहीं बैक कैमरा से। और एकदम भीगे भीगे सब कुछ दिख रहा है, भीगा भीगा गीला गीला, मेरा भी सूज गीला हो चुका है। चलते हैं। हाय दोस्त, कैसे हो? हाय, हाउ आर यू? बारिश में मज़ा आ रहा है? नहीं ना, ये गोदावरी हॉस्टल का जो बस स्टॉप है वहाँ आ गया। आप देख सकते हैं बारिश थोड़ी कम हो गई तो। और यहाँ से देख सकते हैं आप बाकी स्टेट बैंक का ATM और बैंक वगैरह। देखिए बारिश में भीग के खेल के आ रहे हैं ये लोग। और यहाँ से जो दिख रहा है सीधे में जो स्कूटी आ रही है, ये पेरियार हॉस्टल हो गया। और राइट से चलूँगा जो अभी स्कूटी गई, जो बैक लाइट दिख रही थी, इधर से चलूँगा तो गोदावरी हॉस्टल, बैंक, स्टेट बैंक और फिर आगे में कावेरी। ये आ गया स्टेट बैंक और ये हो गया गोदावरी हॉस्टल। यहाँ के जो कुछ ढाबा वगैरह हैं वो हो गए और सामने की तरफ लेफ्ट साइड में कावेरी है। तो गाइज फाइनली हॉस्टल आ गया, देख सकते हैं कावेरी। यहाँ गेट पर अंधेरा है और ये गार्ड साहब बैठे हुए रहते हैं। यहाँ चलता हूँ सामने से, ये जो
मेस है उसमें का हाल दिखा दूँ कि ये दोनों भाई लोग जा रहे हैं व्हील चेयर वाले भैया लोग। यहाँ तो ज़्यादा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है मेस में, देख सकते हैं। चलता हूँ मेस में, मुझे जानी नहीं है अभी। ये वाटर कूलर और बीच से होते हुए मैं सीढ़ियों की तरफ से चलता हूँ ऊपर की तरफ। घड़ी पर नज़र दौड़ाएं तो देखिए 8 बजने वाली है। थोड़ा ब्लॉग बना रहा था इसलिए स्लो आया। 11,000 कदम चल चुका हूँ, 8.35 किलोमीटर मैं चला। ये देखिए गाइज, ये JNU का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। रूम का कभी टूर कराऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग।